अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से खुला समर्थन मांग रहे हैं कि वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दे, लेकिन तमाम आनाकानी और तनातनी के बावजूद कांग्रेस ने अब तक ये ऐलान नहीं किया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ वे आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद जयराम रमेश ने इतना ही कहा कि देश के संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और हम संसद में आगामी सत्र में इस पर बहस की मांग करेंगे। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र में संघीय ढांचे पर आक्रमण और महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाने का फैसला करते हुए कहा, वह चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार के आक्रमण का हमेशा विरोध करती रही है और आगे भी करेगी। संघीय ढांचे पर आक्रमण के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के कांग्रेस की इस घोषणा को अगर अरविंद केजरीवाल समर्थन का ऐलान मान भी लें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर दिल्ली की चर्चा नहीं की। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर दिल्ली के अध्यादेश की चर्चा नहीं की, वजह बेंगलुरु में होने वाली बैठक है। उस बैठक में अरविंद केजरीवाल गठबंधन को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, कांग्रेस उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेगी। जयराम रमेश ने कहा कि संघीय ढांचे पर जो आक्रमण हो रहा है, केंद्र सरकार ये आक्रमण कुछ जगहों पर खुद कर रही है और कुछ जगहों पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल आक्रमण कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों पर आक्रमण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संघीय ढांचे पर सरकार द्वारा रोजाना आक्रमण किए जा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। जयराम रमेश का कहना था कि इस पर हम जरूर चर्चा की मांग करेंगे। दिल्ली से संबंधित अध्यादेश से जुड़े सवाल पर रमेश ने कहा कि चुनी हुई राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जो आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है और रहेगी। इसका संसद के भीतर और बाहर विरोध करेंगे। कांग्रेस महासचिव ने दिल्ली के अध्यादेश का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया। रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मामले पर स्पष्टीकरण की मांग करेगी। रमेश ने कहा कि करीब 1.5 घंटे की इस बैठक में मानसून सत्र में सरकार की ओर से पेश होने वाले विधेयकों और हमारी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। उनका कहना था कि मणिपुर के मामले पर हम अडिग हैं कि संसद में इस पर चर्चा होनी जरूरी है। सत्र की शुरुआत में ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बालासोर में जो रेल हादसा हुआ उस पर और रेल सुरक्षा पर चर्चा चाहेंगे। उन्होंने बताया कि जीएसटी नेटवर्क से संबंधित पीएमएलए में संशोधन, महंगाई, अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग, महिला पहलवानों के साथ सरकार के रवैया और राज्य से संबंधित कई विषय संसद में उठाएंगे। एक सवाल के जवाब में रमेश ने कहा कि कांग्रेस बालासोर रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से आरंभ हो रहा है जो 11 अगस्त तक चलेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।